हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ये टॉपिक तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या फिर इस नंबर पर मैसेज करें। और ये कोर्स की फीस है 5,999 जो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करिएगा आप हमारे। और ये हमारा ऑनली सारा सिलेबस है जिसके अंदर हमने UFI भी इंक्लूड कर रखा है। इतनी कम फीस के अंदर फर्स्ट हम आपको एक बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दूसरी चीज हम इसमें आपको 5,999 में ये कोर्स दे रहे हैं। और ऑल क्लास का बैकअप वीडियो सारी की सारी 4K वीडियो ऑडियो क्वालिटी के साथ स्टूडेंट्स को लाइव सपोर्ट मिलता है, जिसमें हमारी दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। जिनके पास जो सेट होते हैं अगर उनसे नहीं बन पाते हैं तो वो सारे के सारे हम लाइव रिपेयर करते हैं। और किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारा MediaTek MT6357 CRV। इसका बूट सीक्वेंस आज मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको ये बूट सीक्वेंस इस लेवल पे बताऊंगा, आपको इसके बाद कभी भी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जितने भी MT6357 CRV फोन्स हैं निकाल लीजिए, अब उनको रिपेयर करने की बारी आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारे फोन में एक DC-to-DC होती है। अब वो आपकी किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो VQ हो, चाहे वो 6371P हो या फिर कोई भी अदर IC हो। देखिए, ये जितना भी है DC-to-DC क्या होती है, हमारा पावर हम कैसे पहचान सकते हैं एक प्रॉपर वे में। पावर IC के पास बहुत सारी बक कॉइल्स होती हैं, कैपेसिटर होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अभी जो हमारी 3-3 पावर ICO के सर्किट आ रहे हैं उनके पास भी बक कॉइल्स होती हैं। सब पावर के पास 10-10 बक कॉइल देखने को मिलेंगी और मेन पावर के पास आपको 9 बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। आप उस चीज को कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी चीज आपको क्लास में ही बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए, CPU की नीड होगी फर्स्ट। जब हमारा ये फोन है जो MT6357 CRV, इसमें मेन पावर लगा है। अब बात ये आती है, ये MT6357 CRV जो हम समझ रहे हैं ये हमारे कितने सेट्स के अंदर लगी हुई है, तो मैं आपको बता दूं, ये IC बहुत पॉपुलर IC है और ये मोस्टली बहुत सारे सेट्स में लगी है। Xiaomi के भी सेट में होती है ये, हमारा Vivo, Oppo, Samsung भी यूज करता है इसको, Samsung भी यूज करता है। चलिए, जब हम इसके अंदर हमारे पास अगर कोई डेड सेट रखा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जब बैटरी इसको इंसर्ट करेंगे, बैटरी में हमारा कितना वोल्टेज होता है, 250 से इसका जो GR आता है वो आता है 250 से 800 और वोल्टेज होता है 3.1 से 4.2 वोल्ट। और ये जो वोल्टेजेस होता है, ये वोल्टेजेस जैसे ही हमारा DC-to-DC को मिलता है, DC-to-DC क्या करती है, यहां से एक VSIS नाम का एक वोल्टेज जनरेट करती है। जैसे कि हम क्वालकॉम में जानते हैं कि VPH होता है, इसी तरीके से हमारे MTK में VPH नाम नहीं यूज करके ये VSIS नाम का यूज करते हैं, सिस्टम वोल्टेज। और ये वोल्टेज एक कॉइल से होकर यहां पर इसके इस साइड, इस कॉइल के इस साइड आपको 250 से 800 GR देखने को मिलेगा, वोल्टेज 3.1 से 4.2 वोल्टेजेस। उसके बाद ये वोल्टेजेस यहां पर आके ये कॉइल के जरिए स्विचिंग करेंगे। देखो, एक आईसी का स्विचिंग करना बहुत जरूरी है। इस स्विचिंग की जगह आपको SW या फिर LX लिखा मिल सकता है। यहां पर हमें इसी स्विचिंग वाली साइड से हमें एक कैपेसिटर इसके अंदर कनेक्टेड मिलता है, जिस कैपेसिटर को हम बूट कैप के नाम से जानते हैं। और इस कैपेसिटर के इस साइड और इस कॉइल के इस साइड, यहां पर इन दोनों की साइड पे हमें अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहां पर इन दोनों से कंटिन्यूटी पे बीप मिलेगा। और इस बूट कैप के इस साइड हमको 200 से 250 से 800 GR देखने को मिलेगा, वोल्टेज 3.1 से 4.2 वोल्टेजेस देखने को मिलेगी,
प्लस यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया ये स्विचिंग का लाइन है, तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी यहां पर बन जाती है और यहां पर हमारे 4 वोल्ट समथिंग आ जाते हैं, उसके बाद ये हमारी एक ट्रैक बनता है BTST, बूट कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं। शायद आपने इस नाम को पहली बार सुना हो और हो सकता है बहुत से लोग इससे परिचित हो। तो इसके पास हमें कितना वोल्टेजेस मिलता है, 250 से 800 इसके GR मिलता है, वोल्टेज मिलता है 8 वोल्ट। अब देखो ये 8 वोल्ट मिलता है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर यहां पर सपोज करो यहां पर आपको 3.1 वोल्टेजेस मिला तो यहां पर आपको 6.2 वोल्टेजेस मिलेगा, मतलब इस साइड आपको जितना भी वोल्टेजेस मिलेगा उसका डबल आपको इस साइड मिलेगा। ये हमारा बूट कैपेसिटर होता है। और इसका मेनली वर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए ये जब हमारा फोन हम चार्जिंग पे यूज करते हैं तब हमारा फोन क्या करता है, बैटरी को चार्ज भी करता है, बैटरी को स्टोर भी करता है और आपके फोन को भी रन करा रहा है। जैसे कि सपोज करो आप कोई मूवी देख रहे हो, किस पे, इंटरनेट पे मूवी देख रहे हो और आपका फोन चार्जिंग पे लगा है, उस कंडीशन में आप क्या सोचते हो कि मेरा फोन चार्ज भी हो जाए और मैं एक मूवी भी देख लूं। उस कंडीशन में ये हमारा जो बूट कैप है ये 8 वोल्ट इस IC को देता है, जो वोल्टेजेस डिवाइड होके आपके पूरे सर्किट में भी जाती है और आपकी बैटरी को भी स्टोर करती है। बूट कैपेसिटर का काम यही होता है। और अगर ये बूट कैपेसिटर आपका लीकेज होगा या फिर खराब होगा या फिर इस बूट कैपेसिटर को कोई भी टेक्नीशियन हटा देता है तो आपका फोन डेड हो जाएगा। आपको इसीलिए सबसे पहले आपको इस कॉइल से लेकर ये बूट कैपेसिटर तक की पूरी सप्लाई चेक करना है। इसके बाद जब ये VPH बन जाता है तो ये सभी जगह जाता है, कहां कहां, नेटवर्क सेक्शन, LDO सेक्शन और हमारा Wi-Fi, ब्लूटूथ, जितना भी सेक्शन है ये सभी जगह जाता है, लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो। एक जगह और भी जाता है, ये हमारा पावर IC के इनपुट सेक्शन में जाता है। देखो हर किसी को ये यहां पर जितनी भी हमारी बक कॉइल्स लगी होंगी, अब देखो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है उसको मैं आपको एक बार इसके भी अंदर दिखाता हूं, साथ साथ मैं आपको स्कीमेटिक भी रीड करना बताता हूं। देखिए जैसे कि सपोज करो ये मेरा एक Redmi 6A का मदरबोर्ड है और मैं इसमें लेआउट को कॉपी करूंगा, तो देखो ये मेरा EM कॉइल लगा है तो मुझे यहां से पता चल रहा है ये मेरा डिस्प्ले कनेक्टर है और ये मेरा यहां पर कनेक्टर है, तो मैं इसको यहां पर कॉपी करूंगा। एक सेकंड, जब हम इसको कॉपी करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि आप एक बिगिनर्स हो और आपको स्कीमेटिक रीड करना बता रहा हूं, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें जाकर इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट किया तो हम एक कनेक्टर पे पहुंचेंगे, मेन माइक, M मतलब मेन माइक, USB, RGB स्पीकर, तो ये हमारा एक B2B कनेक्टर इसको हम बोलते हैं, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर इसको हम बोलते हैं। तो ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें जो हमारा CC फ्लेक्स होता है उसके अंदर से इसके अंदर वोल्टेजेस आता है, जब हम चार्जर लगाते हैं वो हमारा चार्जिंग फ्लेक्स पे ही होता है, तो वो वोल्टेजेस इस B2B पर आता है और ये B2B आगे मदरबोर्ड को वोल्टेजेस देता है। तो अगर हम देखें तो पहले हम VBUS की वोल्टेजेस ना चेक करके हम सबसे फर्स्ट बैटरी कनेक्टर को कॉपी करते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है क्योंकि हम फर्स्ट क्या लगा रहे हैं, बैटरी, तो हम बैटरी कनेक्टर को कॉपी करते हैं। उसके बाद VBUS की सप्लाई को भी देखेंगे। बैटरी कनेक्टर को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे यहां पर ये लिखा दिखाई दिया बैटरी कनेक्टर। अब इसमें मुझे एक लाइन को ट्रेस करना है, वो है VBUS, तो VBUS VWAT का ट्रैक मैं यहां पर कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं ये देखता हूं ये मेरा जा कहां रहा है। ये एक IC है MT6371 और इसके आगे PB लगा होता है, लेकिन इसमें ये P नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके आगे BB लगा होता है। तो MT6371P एक IC है, जब इसके अंदर ये VWAT की सप्लाई जा रही है, समझ लो यही हमारी चार्जिंग IC है और इसी से हमारा ये देखो VCC का वोल्टेजेस निकल रहा है, तो ये सारी चीज देखी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी, जैसे ही हमने इसमें बैटरी को इन किया उसके बाद इसने क्या किया,
यहां से एक VCC का वोल्टेज निकाला, F1, F2, E1, ये IC की पैड्स होते हैं जो हमें काउंट करना आना चाहिए। अगर हमें एक एडवांस लेवल का काम करना है तो IC के पैड काउंट करना हमको आना चाहिए अच्छे से। तो ये जो F1, F2 और E1 है, ये यहां से होकर इस कॉइल के इस साइड आता है और ये कॉइल क्या करती है, यहां से स्विचिंग करती है CHG VLX। मैंने आपको बताया SW या फिर LX दिखाई दे तो समझ लो वो आपका स्विचिंग का ट्रैक है। और इसी स्विचिंग के ट्रैक से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो 4.47 नैनोफराड और 25 वोल्ट की कैपेसिटी रखता है। और ये कैपेसिटर आपको अगर मैं मदरबोर्ड में दिखाऊंगा तो मदरबोर्ड में भी दिखाऊंगा ये कहां पर लगा होता है। और साथ ही साथ मैं इसका एक मदरबोर्ड भी खोल लेता हूं, तो मैं IC और मदरबोर्ड दोनों चीज आपको दिखाता ही चलूंगा साथ ही साथ। तो ये मैं अभी इसका ईस्टेक स्कीमेटिक का यूज करता हूँ। इसका बोर्ड व्यू क्वालिटी बहुत जबरदस्त होता है और आप कोई भी ईस्टेक या फिर आप अदर कोई भी डायोड वोल्टेज, कोई भी अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब हम जिस IC की बात कर रहे थे जो हमारी DC-to-DC है, वो ये IC है MT6371P। इसके आगे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये IC हमारी मल्टीपर्पज के लिए काम करती है, यही IC हमारी लाइट के लिए काम करती है, यही IC हमारी ग्राफिक्स के लिए काम करती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा डीपली। बट अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, डेड बूट सिक्वेंस, उसके साथ साथ हम आपको स्कीमेटिक भी रीड करना बता रहे हैं। तो देखो, ये हमारा IC है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, VVAT का जो सप्लाई है वो इन होता है इसके अंदर। और ये जो VVAT का सप्लाई है वो इस IC के अंदर जैसे ही जाता है, उसके बाद यहां से एक वोल्टेज निकलता है जो क्या हो, जो कि हमारा VCC का है। और यहां पर ये कॉइल, इसको हम कॉपी करें तो कॉपी करके हम इसको पेस्ट करके देखते हैं कि ये कॉइल हमारा कहां लगा है। ये कॉइल हमको यहां पर देखने को मिल रहा है इस एक कैपेसिटर के पास। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि आपको ये सर्किट डायग्राम में कहां देख, आपके मदरबोर्ड में कहां देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। अब आपके पास कोई भी मदरबोर्ड हो सकता है, ये मेरे पास Redmi 6A का है। अब आपके पास तो कोई भी मदरबोर्ड हो, उसको आपको खुद ही फाइंड करना है। उसके बाद चलिए अभी मैं आपको आगे का बताता हूँ। इस कॉइल के जो स्विचिंग वाली साइड है, उस साइड हमें एक कैपेसिटर कनेक्ट मिलेगा जो कैपेसिटर दोनों साइड से वैल्यू देता है। इसके दोनों साइड GR आता है और ये सीरीज में लगा हुआ एक ऐसा कैपेसिटर है जो हमारा बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके दोनों साइड हमको GR देखने को मिलेगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं, लेकिन हम बताते हैं आपको कैपेसिटर आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। कहां कहां मिलेगा ये भी हम आपको एक नेक्स्ट लेवल पे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बूट कैपेसिटर को भी आप चेक कर लोगे, मैंने क्या क्या वोल्टेजेस आती है वो सारा कुछ एनिमेशन में बता दिया है। उसके बाद जैसे ही ये सप्लाई यहां से आगे बढ़ती है, तो ये सप्लाई हमारी कहां कहां जाती है, अगर इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सप्लाई बहुत जगह जाती है। तो मैं डायरेक्टली पावर IC की ये जो बक कॉइल्स होती हैं इनको कॉपी कर लेता हूं और मैं देख भी लेता हूं कि मुझे इसके पास कितनी बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। तो पहले मैं इसको हटाता हूं और अब देखो यहां पर मुझे कितनी बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर हमें कितनी बक कॉइल्स देखने को मिल रही है। और कोई भी IC हो, MT6357CRV कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा यही IC हो, कोई भी IC हो, तो उसके पास आपको मोस्टली 1, 2, 3, 4, 5 बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। तो जब इसके पास आपको 5 बक कॉइल्स देखने को मिल रही है, जैसे कि एक हमारा Redmi 9A का सेट है जिसके अंदर हमारी ये IC यूज हुई है, तो एक बार हम Redmi 9A को भी खोल के देखते हैं। मैं ये चाहता हूं आपको इस वीडियो के बाद कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखने की नीड नहीं हो कभी भी लाइफ में, और आप इस वीडियो को देखकर इतना श्योर हो जाएं कि आपके पास कोई भी MTK का सेट आता है तो आप उसको इजीली बना लें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो छड़ी बक कॉइल्स होती है इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये हमारी एक एक्सटर्नल वर्क से निकलती है और ये भी हमारी बक कॉइल्स ही होती है एक्चुअल में। लेकिन इसके पास आपको मोस्टली 5 बक कॉइल्स हैं जिनका इनपुट आपका डायरेक्टली मीडियाटेक MT6357CRV में जाएगा।
और वो जो लास्ट वाली जो आईसी है उसको भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा वीपीएच कितनी बार इन हो रहा है। सबसे पहले मेरा वीपीएच एक बग कंट्रोल के लिए इनपुट हो रहा है, एसएमपीएस इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए एक बार वीपीएच इनपुट हो रहा है, उसके बाद एक बार इनपुट, दो बार इनपुट, तीन, चार और पांच। मतलब देखो, मैंने आपको जैसा कि बताया, ये पांच बार हमारा इनपुट हो रहा है। मॉडम के लिए इसका अलग इनपुट हो रहा है, और जो कि A13 पे आ रहा है और B13 पे आ रहा है। उसी के बाद इसका ग्राउंड भी एक स्पेसिफिक इसका ग्राउंड है, जो इसी के पैड से मिलेगा। आपको देखने पर ये नॉर्मली ग्राउंड लगेगा, बट ये नॉर्मली ग्राउंड नहीं है, ये एक पावर ग्राउंड है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, जितनी बक कॉइल्स होती हैं उतनी बार इनपुट तो होता ही है वोल्टेज। और इसको आप विदाउट स्कीमेटिक कैसे चेक करोगे, वो हम क्लास में एक अच्छे लेवल पे बताते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी वोल्टेजेस बन जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इतना प्रोसेस समझ लिया कि जितनी बक कॉइल्स होंगी उतनी बार हमारा वीपीएच इनपुट होगा। तो मैं इसको, इतने बूट कैपेसिटर पे ये इनपुट होता है, तो आपको ये सारा कुछ चेक करना है। अगर ये एक भी इनपुट कैपेसिटर पे आपकी सप्लाई मिसिंग हुई तो आपका फोन ऑन नहीं होगा, या ये सप्लाई कहीं से ड्रॉप हो रही है तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही हमने, अभी हमारा क्या लगा हुआ है, बैटरी, फोन है हमारा ऑफ कंडीशन पे। अभी यहां पर हमें सबसे पहले जो वोल्टेजेस देखने को मिलेगी वो मिलेगी पावर की पर। वो वोल्टेजेस होगी आपकी 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेजेस तक। मैंने रेफरेंस के तौर पे यहां पर 3.7 वोल्टेजेस लिया है, लेकिन ये आपकी 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेजेस तक हो सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जो वोल्टेजेस देखने को मिलेगी वो मिलेगी वी रेफरेंस। ये वी रेफरेंस की वोल्टेजेस आपको कहां देखने को मिलेगी, पावर की तो आप चेक कर लोगे, वी रेफरेंस को आप किस तरीके से चेक करोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मेरे पास कोई रेडमी 6A फोन आया, मैंने उसका स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट दोनों चीज खोला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं डायरेक्ट पावर आईसी पे। पावर आईसी को मुझे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मुझे पेस्ट करना है। मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और इसको मैं बड़ा करता हूं। तो देखो, मैंने, मुझे इसमें ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। ये मेरा ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक है तो इसका बी भी होगा, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। मोस्टली जितने ब्लॉक्स होंगे वो हमें दिखेंगे। तो ये मेरा ए ब्लॉक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर बक सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे फिर आगे जाना है। आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर एलडीओ सेक्शन देखने को मिल रहा है। ये मेरा एलडीओ सेक्शन है, एलडीओ इन और एलडीओ आउट। तो इस सेक्शन पे भी मुझे नहीं जाना है, मैं फिर से आईसी को कॉपी करता हूँ। वो मेरा कॉपी जो था वो किसी कंडीशन से हट गया, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं ये अभी बी सेक्शन पे हूं, तो बी पे भी मुझे नहीं जाना है। सी पे गया मैं, और यहां पर मुझे देखो चार्जिंग का और हमारा जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारी सप्लाईज दी हुई हैं। और ये देखो हमारा पावर की का सप्लाई है, लेकिन पावर की का आप तो डायरेक्टली जाकर भी चेक कर सकते हो, इस पे भी हमको नहीं जाना है। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट करना है, तो इसका डी ब्लॉक पे हम पहुंचेंगे। डी ब्लॉक पे हमें ऑडियो की सप्लाई दी हुई है और हमारे अदर सिग्नल्स दिए हुए हैं ऑडियो के लिए, इस पे भी हमें नहीं जाना है। मतलब अब तक हमने चार सेक्शन देख लिए डी ब्लॉक तक, ये हमारा ऑडियो का है, तो इस पे भी हमको नहीं जाना है। हम फिर जाते हैं आगे, सॉरी ए पर आए हम, और ये हमारा बी है जिसमें एलडीओ इन है। सॉरी, हमको एलडीओ इन के सेक्शन पे जाना है, और एलडीओ इन में हमें देखना है ये वी रेफरेंस, वोल्टेज रेफरेंस का, वो मेरे माइंड से निकल गया था। तो ये हमारा MT6357 CRV का बी सेक्शन है, जहां पर हमारी एलडीओ इन की सप्लाई इन हो रही है। उसके नीचे जस्ट वी रेफरेंस की सप्लाई आ रही है, जो कि एक कैपेसिटर पर आ रही है। अगर मैं इस कैपेसिटर को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर जाकर मैं इसको पेस्ट करके देखता हूं, तो ये मेरा कैपेसिटर मुझे इस पावर आईसी के पास, सॉरी ये हमारा शायद ही, ये हमारा पावर आईसी है, हाँ, इस पावर आईसी के पास हमें इस साइड पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको ये बोर्ड में दिखाऊं तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं, ये मेरा रेडमी 6A का नहीं है, ये मेरा रेडमी 9A का है, तो यहाँ पर ये मेरा ये वाला कैपेसिटर है, तो इस पर मुझे कितना वोल्टेजेस देखना है ये चीज देख लीजिए आप। इस पर मुझे 1.2 वोल्टेजेस देखने को मिलेगा, कहाँ पर,
हमने मीडिया टेक की MT6357 CRV हमने चेक की, और ये वोल्टेजेस आप विदाउट स्कीमेटिक भी चेक कर सकते हो, बट आपके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो वोल्टेजेस बनती है VRTC कितनी वोल्टेजेस होती है 2.8, जो एक RTC क्रिस्टल होता है जहां से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, बट उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको ये वोल्टेजेस एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं, तो मुझे VRTC कहां देखने को मिलेगी, ये मेरा LDO है, और उसके बाद मुझे देखो यहां पर ये RTC लिखा हुआ है, VRTC पर ये हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर पर आप जाकर चेक कर सकते हो ये वोल्टेजेस। तो इस रजिस्टर को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहां पर जाके ये मुझे रजिस्टर कहां मिल रहा है देखने को, ये मुझे पावर IC के सेक्शन के पास ही देखने को मिल रहा है, जो एक XO जो हमारा क्रिस्टल है उसके थोड़ा सा आगे। तो इस तरीके से आप कोई भी फोन की VRTC को भी चेक कर सकते हो, कोई भी फोन हो। अब बात आती है, इतना हमने चेक कर लिया, ये हमारी सप्लाई बैटरी लगाने पर ऑफ कंडीशन पे बनती है। अब उसके बाद हमें फोन को ऑन करना होगा, तो फोन को हम ऐसे तो ऑन कर नहीं सकते क्योंकि हमारा फोन तो डेड है। तो हमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में हम इसको चार्जर को लगाते हैं। चार्जर से हम विवस की एक सप्लाई देते हैं जिसके अंदर हमारा 300 से 800 GR आता है और वोल्टेज आता है 5 वोल्टेजेस। जैसे ही हम इसमें चार्जर इन करते हैं, ये वोल्टेजेस फिर सेम इसी तरीके से बनती है, बैटरी को हमें हटा देना है, सेम वोल्टेजेस फिर इसी तरीके से बनती हैं, और ये वोल्टेजेस बनकर यहां से इसी तरीके से वोल्टेजेस बनकर ये फिर इनपुट होता है और फोन हमारा इनिशियलाइजली ऑन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहली जो वोल्टेजेस बनेगी आपको 0.6 से 1.2 वोल्टेजेस मॉडेम की, जो बनेगी हमारा CPU के लिए। इस वोल्टेजेस को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो आपको जाना है इसमें से कोई भी बक कॉइल्स को आप कॉपी कर सकते हो, कोई भी बक कॉइल्स को आप उठा के कॉपी करोगे और आप यहां पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट किया तो आपको ये बक सेक्शन मिल जाएगा देखने को, तो आपको मॉडम की वोल्टेजेस चेक करना है। तो ये वोल्टेज मॉडम है और आप यहां पर जाके इस बक कॉइल को कॉपी करके, जैसे मैं इस बक कॉइल को कॉपी करता हूं, इस बक कॉइल को कॉपी करके मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे ये बक कॉइल्स देखने को मिल गई। मुझे इस बक कॉइल पे चेक करना है हमारी वोल्टेजेस, इतना आपको कर लेना है। अगर यहां पर आपको वोल्टेजेस मिलती है, नेक्स्ट वोल्टेजेस आपकी कैसे बनती है, सेम VPROC, ये एक ऐसी वोल्टेजेस होती है, वोल्टेज प्रोसेसर। अब मैं आपको इससे पहले एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, मॉडेम की वोल्टेजेस, ये हमारे MediaTek के जो सेट है उसमें तो चार्जर लगाने के तुरंत बाद बन जाती है, लेकिन ये सेम चीज हमारे जो हमारा क्वालकम का सेट होता है उसके सीक्वेंस से बिल्कुल अलग होती है। ये क्वालकम के सेट में जब तक हम सिम इंसर्ट नहीं करते तब तक नहीं बनती, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। VPROC वोल्टेज प्रोसेसर, ये वोल्टेज प्रोसेसर के लिए यूज होती है और इसमें 0.6 से 1.2 वोल्टेजेस आता है। इसी तरीके जैसे कि आपने मॉडम की वोल्टेजेस चेक की, बक कॉइल्स को कॉपी किया, VPROC का एक सेक्शन देखेगा आपको, तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा एक सप्लाई बनती है जिसको बोलते हैं हम VPA, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। ये वोल्टेजेस डायरेक्ट 4GPA को जाती है। मैं अभी आपको सिर्फ इसका वोल्टेजेस बता देता हूं और एक ये बता देता हूं कि ये वोल्टेजेस बनती कब है। देखो ये वोल्टेजेस आपकी ऑन कंडीशन पे बनती है और इसका सिक्वेंस थोड़ा अलग है क्वालकम को देख के। क्वालकम के लिए, इसके लिए BPAPT वोल्टेज बनाने के लिए हमारे लिए एक IC लगी होती है जिसको APT पावर बोलते हैं। ये चीज क्वालकम के लिए होती है, MediaTek में ये पावर IC से ही निकलती है जो हमारा 4GPA पर जाता है और 4GPA की 28, 29, 30 लैग पर जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लैग काउंट करना आते होंगे तो 4GPA के आप लैग काउंट करके चेक कर लीजिएगा VPAPT की वोल्टेजेस। और ये नेटवर्क सेक्शन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम हमारा जो सिग्नल होता है उसको ज्यादा ट्रांसमिट, ज्यादा पावर की जरूरत होती है। उस कंडीशन में ये हमारा एक्स्ट्रा पावर होता है और ये हमें उसको पावर प्रोड्यूस करता है। तो इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारा ये डेड बूट सीक्वेंस है, बट मैंने फिर भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है हल्का सा। अब बात ये आती है, ये VPROC और VPAPT की वोल्टेजेस के लिए हम स्कीमेटिक में इसको कैसे रीड करेंगे। देखिए जैसे कि हमने बक कॉइल्स को कॉपी कर रखा है, तो हम इस बक कॉइल्स पे पहुंचे, तो ये हमारा पूरा बक सेक्शन है, इसमें 5 ही कॉइल्स होती हैं।
तो सबसे पहले नंबर पे देखो वी प्रोक वी प्रोसेसर, ये वोल्टेजेस आपको यहाँ पर इस कॉइल को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो ये कॉइल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस कंडीशन में हमें जो वोल्टेजेस आपको हमने बता दिया 0.6 से 1.2 वोल्टेजेस देखने को मिलेगा। ये वोल्टेजेस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, उसके बाद आपको सेम इसी कंडीशन पे VPA APT की वोल्टेजेस देख लेना है। तो VPA APT की वोल्टेजेस आपको चार्जर लगाने के तुरंत बाद नहीं मिलती, ये नेटवर्क सेक्शन का काम है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये वोल्टेजेस आपको कब बनती है मैंने अभी आपको कुछ ही टाइम पहले बताया। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा फोन में नेक्स्ट वोल्टेजेस कौन सी बनती है। नेक्स्ट वोल्टेजेस बनती है वी कोर, वोल्टेज फॉर कोर। तो ये वोल्टेजेस बनना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन वोल्टेजेस आपको सीपीयू को जाती हैं और ये तीनों की तीन वोल्टेजेस आपको बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये वोल्टेजेस आप कैसे चेक कर सकते हो, स्कीमेटिक में जाओ, सिंपली जहां पर वी कोर लिखा है उसके साइड उसके ट्रैक में जाकर ये कॉइल को कॉपी करो और इस पर जाकर चेक करो। मैंने दो बार आपको बता दिया तो आपको इसको चेक करना आना चाहिए। उसके बाद हमें जो लास्ट वोल्टेजेस इसमें बक कॉइल्स के लिए बनती है पावर आईसी से, उस वोल्टेजेस का नाम है HLDO, मतलब जिसको हम हाई LDO बोलते हैं। और ये वोल्टेजेस आपकी VS1 नाम से होती है, मीटियाटेक MT6357 CRV के। CRV में VS1 नाम से जो वोल्टेजेस होती है वो हमारा हायर LDO होता है और ये हमारे LDO सेक्शन को जाके एक्टिव करता है। ये LDO हमारा क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है? ये LDO हमारा इसलिए बनता है ताकि हमारा पावर आईसी और LDO जनरेट करे, इससे हमारा 1.2, 1.8, 1.3 इस तरीके के जितने भी 0.9 इस तरीके के जो भी LDOs होते हैं उनको जनरेट करता है, इसलिए इसका ये हमारा बनता है। और ये डायरेक्टली हमारा यहां से निकलकर LDO के इन सेक्शन में जाता है। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपको समझ तभी आएगा। ये देखो मेरा यहां से निकल रहा है और एक कॉइल लगी होगी, इसको आप चेक कर लोगे। उसके बाद VS1 PMU इसमें जाने के बाद मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे यहां पर ये दिख रहा है, तो ये मुझे LDO इन के सेक्शन में जाता दिख रहा है। देखो ये LDO इन और यहां से बहुत सारे LDO जनरेट हो रहे हैं, 2.8 2.2 2.8 1.8 2.8, और ये हायर LDO हाई LDO को जनरेट कराता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हमारी ये एक हाई LDO एक आईसी में जाता है, जिस आईसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल बक। ये आईसी कैसे काम करती है इसका पूरा वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी ये वीडियो मिल जाएगा कि ये बक आईसी आपका किस तरीके से इसमें इन होता है वोल्टेजेस और कहां से इसको फीडबैक मिलता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा होता है तो वो किस पिन पर आता है। बस अभी आपको मैं इतना बता रहा हूं ये किस पर इन होता है और कहां से आउट होता है, और इसका फुल वीडियो इसको बाईपास कैसे करते हैं इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो अभी देखो इसके अंदर हमारी 8 लेग होती है। अब आईसी को काउंट कैसे करना है ये तो आपको आना चाहिए, बट मैं इसमें दिखा रहा हूं जैसे भी ये काउंट किया है इस तरीके से, अगर आप समझ सको तो काउंट कर लीजिए आप आईसी को अपनी। उसके बाद हमारा ये पहले नंबर पे यहां पर ये आईसी के फर्स्ट नंबर पे ये वोल्टेजेस हाई LDO का इन होता है जो EN सिग्नल की तरह होता है इसमें, और यहां से ये वोल्टेजेस 6 नंबर से निकलकर ये LDO LLDO बोलते हैं जिसको हम। देखो हमारे फोन में एक हायर LDO होता है एक लोअर LDO होता है। अब क्वालकॉम का सिक्वेंस क्या है, क्वालकॉम का जो मेन पावर आईसी है वही हमारा हायर LDO बनाता है वही हमारा लोअर LDO बनाता है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा ही अलग है। और ये हमारा LLDO पे जो वोल्टेजेस आता है 1.3 वोल्टेजेस आता है और ये VS2 PMU का नाम मिलता है, इसको VS2 का नाम मिलता है और VS2 PMU बोलते हैं इसको। ये LDO इनका ये भी LDO इन LDO सेक्शन में जाके इन होती है और यहां से निकल के डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर जाती है और ये भी LDO सेक्शन में जाकर इन होती है, तब जाकर हमारा LDO की जो 0.9 0.8 जो भी हमारी वोल्टेजेस से होती है LDO सेक्शन की वो भी वहां से आउट कराता है। उसके बाद ये हमारा एक और आईसी लगा होता है इसके पास जो हमारे डेड सेक्शन में हमें
चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आईसी को बोलते हैं हम LDO VA12, LDO for VA12। ये कैसी वोल्टेजेस होती है जो सीपीयू के लिए बनती है, देखिए कैसे। इसके अंदर एक 6 बॉल का एक LDO लगा होता है, ये बॉल वाला LDO है। अब इसको कैसे आपको समझना है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट्स करना होंगे कि इस पे, इस टॉपिक पे आपको LLDO पर वीडियो चाहिए या नहीं। इसमें क्या होता है, हमारा LLDO इन होता है A2 पर, और ये A1 से निकलकर डायरेक्टली CPU में जाता है जो VA12 की सप्लाई बनता है। उसके बाद एक सिग्नल निकलता है हमारा CPU से, जिस सिग्नल को हम रिसेट बोलते हैं, और ये रिसेट सिग्नल पे हमें 1.8 वोल्टेजेस मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका CPU के अंदर जाता है। उसके बाद जैसे ही इसको ये रिसेट का सिग्नल मिलता है, ये यहां से एक सिग्नल निकालता है जिसको हम बोलते हैं, एक सिग्नल निकालता है जिसको हम बोलते हैं वॉच डॉग। वॉच डॉग जैसे ही, जैसे कि हमारे फोन में, क्वालकॉम के फोन्स में PS होल्ड होता है, इसी तरीके से हमारा मीडियाटेक में वॉच डॉग होता है। और ये वॉच डॉग यहां से निकलकर इससे एक 1.8 वोल्टेजेस यहां से CPU इसको देता है, जो कि ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन मेरे कम्युनिकेशन से एकदम प्रॉपर है, और जब तक ये वॉच डॉग नहीं बनेगा ये वोल्टेजेस आपकी स्टेबल नहीं होगी। वॉच डॉग बनाने के लिए हमको ये सारी वोल्टेजेस देना होती हैं, जब तक ये सभी वोल्टेजेस में से एक भी वोल्टेजेस आपकी मिसिंग होगी वॉच डॉग आपका नहीं बनेगा, और वॉच डॉग नहीं बनेगा तो हमारा फोन भी ऑन नहीं होगा। और दूसरी चीज, वॉच डॉग बनने के लिए हमारी फोन में सॉफ्टवेयर मतलब प्रीलोडर फाइल होना कंपलसरी है। वॉच डॉग हमारा मीडियाटेक के सेट में तब तक नहीं बनता जब तक उसमें प्रीलोडर नहीं होता। क्वालकॉम के सेट में ऐसा होता है कि क्वालकॉम के सेट में हमारा प्रीलोड, चाहे आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं हो लेकिन PS होल्ड बन जाता है, लेकिन यह वॉच डॉग आपका तभी बनेगा जब आपके फोन में प्रीलोडर की फाइल होगी। और ये क्या होती है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे समझने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना होगा। और हमारा जो एग्जिट बक, ये हमारा एक्सटर्नल बक, इसको एग्जिट बक भी बोलते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल बक है, इसको हमने बाईपास किस तरीके से कर सकते हैं, और इसमें किस तरीके से इन होता है, किस तरीके से आउट होता है, और इसको आप डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए। अगर मैं आपको ये रिसेट और वॉच डॉग दिखाऊं और VA12, तो ये मुझे कहां दिखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब हमें इसमें जो चेक करना है, सबसे पहले अगर मैं यहां से VS1 देखना है मुझे, तो ये मेरा LDO सेक्शन है और ये VS1 का PMU है, इसको मैं आगे जाके इनपुट करता हूं, तो ये मेरा कहां पर जाएगा, VS1 LDO सेक्शन में। उसके बाद यहां गया, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है मेरा EXT buck for VS2, external buck for VS2। तो इसमें ये 8 lakh की IC होती है जिसके अंदर ये इन होता है, और ये 6 नंबर से और हमारा 4 नंबर से आउट होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही तरीके का दिखाया है। और इसको हम बोलते हैं EXT VS2, जिसके अंदर 3.1.3 से 5 वोल्ट 1.3 वोल्टेजेस रन करता है। अगर इसको मैं आगे कॉपी करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा मेरे LDO VS2 PMU की सप्लाई बनती है आगे जाके, तो इसको मैं जाके इन करता हूं, आगे नेक्स्ट करता हूं, तो ये मुझे यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे उस LDO सेक्शन को फाइंड करना है, कौन सा, जो हमारा VA12 के लिए बनता है। इसमें ये सर्च नहीं हो रही है तो इसका फॉल्ट है ये, बाकी हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अदर किसी आईसी, अदर किसी सर्किट में देखेंगे तो वो आसानी से फाउंड हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, OVP, ये हमारा बैटरी कनेक्टर, VA12 LDO, इसको मैं अगर देखूँ तो मुझे यहाँ से फाइंड करने पर मिल जाएगा, वो मैंने देखा है, और मैं किसी दूसरे फोन में आपको फाइंड करके दिखा दूंगा, जैसे कि Redmi 9A हो गया, इस फोन में ये हमको ऐसे फाइंड नहीं होता, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नीचे करता हूँ, फिर देखता हूँ कि हमारा एग्जिट बक वगैरह कहाँ बन रही है, और वहीं पर हमको देखने को मिलेगा ये मोस्टली, तो VA12 देखो
यहाँ पर LDO for VA12 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा सर्च नहीं हो रहा है मोस्टली। देखो ये VS2 का PMU यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये सर्च नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो इसके अंदर ये VA12 है, एक हमारा LDO है जिसके अंदर इनेबल सिग्नल भी है, वोल्टेज इन भी हो रहा है और हमारा आउट भी हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर कितना वोल्टेज आउट हो रहा है 1.2। अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा पूरी तरीके से प्रॉपर सर्च भी नहीं हो रहा। कोई नहीं, VA12 यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं, और VA12 को मैं देखूँ तो ये मेरा PPL MT65 ये हमारा CPU है, उसके अंदर जाके ये एंटर हो रहा है। CPU क्या करता है, अब हम अगर पावर को देखें तो हमारी कौन सी सप्लाई बची, हमने देखो एग्जिट वक्त किस तरीके से आउट करता है ये भी दिखा दिया, LDO से हमारा आउट निकलता है और वो कहाँ जाता है CPU के अंदर ये भी दिखा दिया। अब हमारा रह गया रीसेट और वॉच डॉग। रीसेट और वॉच डॉग को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है। देखो आप जाओगे पावर आईसी को आपको कॉपी करना है, पावर आईसी को कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मुझे जाना है सिग्नल्स के सेक्शन पे। ये मेरा LDO, वो मेरा बक का था, ये मेरा कंट्रोल, कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल में जाने के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है रीसेट टीवी, जो रीसेट टीवी का सिस्टम रीसेट का लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट किया तो मुझे यहाँ पर इसका एक टीपी पॉइंट देखने को मिला। अगर मैं इस टीपी पॉइंट को कॉपी करूंगा और हमारे स्कीमेटिक में पेस्ट करूंगा तो मुझे ये टीपी पॉइंट यहाँ पर पावर आईसी के बीचों बीच, पावर आईसी के पास कई सारे कंपोनेंट्स के बीचों बीच देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मेरा ये टीपी पॉइंट है, इस पर मेरा 1.8 बनना चाहिए तभी मेरा रीसेट का लाइन प्रॉपर वर्क करेगा। और फिर उसके बाद अगर मैं इसको चेक करूं आगे तो यहाँ पर ये मेरा वॉच डॉग, ये वॉच डॉग की सप्लाई निकल रही है और हमारी ये रीसेट की जा रही है, सॉरी ये वॉच डॉग है, ये वॉच डॉग, ये रीसेट की इसके अंदर एंटर हो रही है और यहाँ पर ये वॉच डॉग की निकल रही है। तो वॉच डॉग के लिए एक टीपी दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया तो ये देखो मुझे वॉच डॉग का भी ये टीपी पॉइंट देखने को मिल गया। इस टीपी पॉइंट पे मुझे 1.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए, अगर ये मिलता है तभी मेरा ये जितने भी वोल्टेजेस हैं ये ड्रॉप होंगे। अब बात ये आती है आपका फॉल्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया बैटरी लगाने के बाद ये 3 वोल्टेजेस हमारी बन सकती हैं, सभी हर कंडीशन में आपको चार्जर लगाने की जरूरत नहीं होती। ये 3 वोल्टेजेस मान लो आपकी इसमें से ये वी रेफरेंस के पास जो कैपेसिटर लगा होता है अगर वो शॉर्ट हो गया तो भी आपका फोन डेड हो जाएगा। वी आर टी सी के पास जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है इसके ट्रैक में, अगर ये आपका किसी कंडीशन में शॉर्ट हो जाता है, लीकेज हो जाता है तो भी आपका फोन डेड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। मीडियाटेक का बूट सिक्वेंस काफी बड़ा है लेकिन फिर भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और नेक्स्ट जो वीडियो है आप उसको देखिएगा, एग्जिट बग को किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हमारा एग्जिट बग का एनिमेशन तैयार है और आप उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो वो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें या फिर मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने।